वजन से संबंधित सवाल, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम तराजू से वस्तुओं का वजन तोलना और अलग अलग बाटों को जोड़कर वजन तोलना सीखेंगे। आज गोपाल और उसकी बेटी नीतू कबाड़ देने बिरजू काका की दुकान पर जा रहे हैं। बिरजू काका गोपाल और नीतू को देखकर खुश होते हैं। अरे गोपाल भैया, आज बिटिया को भी साथ ले आए हो? हाँ काका, आजकल यह मेरा काफी हाथ बटा रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है। कहो, आज क्या क्या लाए हो? काका, यह कुछ अखबार, कुछ पुरानी किताबें और कुछ डिब्बे बोतल हैं। लाओ, मैं इन्हें तोल देता हूँ। अरे नीतू इधर उधर क्या देख रही है, और वह थोड़ा हैरान भी लग रही है। क्या हुआ नीतू, क्या ढूंढ रही हो? पिताजी, बिरजू काका ये सब कैसे तोलेंगे? इनके पास तो वजन तोलने की मशीन ही नहीं है। अरे वाह बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। मशीन तो नहीं है, लेकिन मैं मशीन के बिना ही तोल लूंगा। वो कैसे काका? यह देखो, इसे कहते हैं तराजू। हाँ बेटा, तराजू से भी वजन तोला जा सकता है। काका, मुझे भी दिखाओ ना, कैसे? काका, मुझे जरा बाजार में और काम है। कोई बात नहीं भैया, तुम हो आओ, यह मेरे साथ रहकर तराजू इस्तेमाल करना सीख लेगी। काका, इससे कैसे मापते हैं? इसमें तो अंक दिखाने का कोई कांटा ही नहीं है। हाँ, वैसा कांटा नहीं है, लेकिन यह देखो, यह कांटा है और इसमें दो पलड़े भी हैं। देखो, अभी दोनों पलड़े खाली हैं और यह जो कांटा है, यह बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब दोनों पलड़े बराबर भार के हैं। तराजू में वजन तोलने के लिए हमें इन बाट का प्रयोग करना होता है। बाट? ये क्या होते हैं? यह देखो, यह सारे बाट हैं। अरे ये तो कितने सारे हैं, बाप रे, ये वाला तो बहुत बड़ा है। हाँ, यह मेरे पास सबसे बड़ा बाट है। देखो उस पर क्या अंकित है। 100 किलो। हाँ, इसका मतलब है इस बाट का वजन 100 किलो है। अब बाकी के बाटों को देखकर बताओ तो कौन कौन से वजन के हैं? 100 के अलावा 50, 20, 10, 5, 2 और यह 1 किलो का। अरे यह 1 किलो से भी छोटे बाट। हाँ, यह ग्राम के बाट हैं। देखो 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। इससे छोटे बाट भी होते हैं, लेकिन वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा काका, इससे वजन कैसे तोलते हैं? मैं तोल कर दिखाता हूँ। यह जो तुम अखबार लेकर आए हो, इसे तोलते हैं। बताओ तो इसका वजन कितना होगा? काका, यह काफी भारी था, मुझसे तो उठाया नहीं गया। जरूर 10 किलो का होगा। चलो इसको 10 किलो के बाट से तोल कर देखते हैं। वजन तोलने के लिए हम एक तरफ वो सामान रखेंगे जिसका वजन तोलना हो, और दूसरी तरफ बाट रखते जाएंगे जब तक कांटा एकदम सीधा या बिल्कुल बीच में ना आ जाए। यह देखो, 10 किलो का बाट
नीचे आ गया और अखबार का पलड़ा ऊपर चला गया। इसका मतलब अखबारों का वजन 10 किलो से कम है। काका अब क्या करेंगे? 10 किलो से कम का बाट रख कर देखेंगे। 10 से कम कौन सा बाट है? 5 किलो। इसे रख कर देखते हैं। काका अखबार वाला पलड़ा नीचे चला गया। यानी इन अखबारों का वजन 5 किलो से ज्यादा है। हाँ अब क्या करेंगे? पता नहीं काका, हमारे पास तो 5 किलो से ज्यादा और 10 किलो से कम वजन का बाट ही नहीं है। अब हम और छोटे बाट इस पलड़े में जोड़ेंगे। 2 किलो का जोड़ कर देखें। हाँ, अरे यह बाट वाला पलड़ा नीचे चला गया, मतलब अखबारों का वजन 5 और 2 7 किलो से कम है। हाँ अब 2 किलो हटाकर 1 किलो का बाट रख कर देखते हैं। काका देखो पलड़े बराबर हैं, कांटा एकदम बीच में है। यानी अखबारों का वजन हुआ 5 और 1 6 किलो। शाबाश। अब यह किताबें खुद तोल कर देखोगी? ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है काका। यह लो मैंने किताबें इस पलड़े में रख दी हैं। पहले 2 किलो का बाट लेती हूँ। यह तो ऊपर ही है, मतलब और बाट जोड़ने होंगे। मैं इसमें 1 किलो का बाट और जोड़ देती हूँ, यानी 2 और 1 3 किलो। अरे वाह, यह तो एकदम बराबर है, यानी किताबों का वजन 3 किलो है। लो तुम्हारे पिताजी भी आ गए। क्यों काका, परेशान तो नहीं किया ना? अरे कितनी प्यारी बच्ची है। पिताजी मैंने तराजू और बाटों से वजन तोलना सीख लिया। ये देखो 3 किलो की किताबें। अरे वाह नीतू। इस वीडियो में हमने तराजू से वस्तुओं का वजन तोलना और अलग अलग बाटों को जोड़कर वजन तोलना सीखा।